अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। गाइस आज ना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमने ना तकरीबन दो तीन दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मैं शॉर्ट्स ही डाल रहा था। और आज ना हमारे स्कूल की तरफ से मेरी दस्तार बंदी है, मेरी और तकरीबन 10-12 लड़के और है, 14 लड़कों की टोटल दस्तार बंदी है। मैंने कहा गली में जाकर वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आज ना हमने जाना है, अभी तक मैंने ये देखे कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, जूते भी पहन लिए, कोट स्वेटर सारा कुछ पहन लिया है। और तकरीबन हमने जाना है 8 बजे, और तकरीबन अब टाइम हो रहा है 7:30। और आज आपको वहाँ सारा कुछ दिखाएंगे। पूरे साल में एक दफ़ा दस्तार बंदी होती है, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको दस्तार बंदी की वीडियो बनाई थी। आज तो मज़े के बाद मेरे बाबा भी साथ जाएंगे, मेरी जब दस्तार बंदी होगी तब मेरे बाबा भी साथ जाके स्टेज पे खड़े होंगे। आज बहुत मज़ा आने वाला है, सारी वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बाकी आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। अब हॉल में जाने लगेंगे तब आपको आगे दिखाऊंगा। भाई जब मैंने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता भी कर लेते हैं और फिर चलते हैं हॉल में। तो गाइस मेरे आगे ना नाश्ता आ गया था, तो ना मेरे पास नान है और चिकन वाला सालन है और चाय है। तो फटाफट से करते हैं आज का नाश्ता और फिर चलते हैं हम हॉल। तो गाइस मैं ना दरवाजा खोल रहा था, बाबा गाड़ी बाहर निकालने लगे हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दिया और फिर बाबा ने गाड़ी बाहर निकाली। हम ना अभी रस्ते में थे, तो ना हम जा रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप भी बना लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कि हम रस्ते में हैं अभी। ये देखें, ये सर सादिक हॉल की आगे से एंट्रेंस है जहाँ हमारा फंक्शन है, ये नाम भी ऊपर लिखा हुआ है और ये इंटरेस्ट भी काफी अच्छी थी। मैंने सोचा कि मैं आपको हॉल भी अंदर से सारा दिखा देता हूँ। ये देखें हॉल की डिजाइनिंग ये है अंदर से, माशाल्लाह बहुत प्यारा था हॉल भी। ये देखें काफी सारे बच्चे भी आ गए थे, तकरीबन आधे से ज्यादा बच्चे आ गए थे और बाकी बच्चे आ रहे थे, और कारी साहबान भी आ गए थे तकरीबन सारे, एक दो कारी साहब बस रह गए थे सिर्फ। ये देखें ये स्पेशल हिव्स वाले बच्चों की चेयरें जिनकी दस्तार बंदी होनी थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। पिछले साल ऐसी चेयरों में बच्चे बैठे थे, मैंने इंशाल्लाह अगले साल मैं भी बैठूंगा इन चेयरों पे। वो आज दिन आ गया और चेयरें माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत है और प्यारी है। तो गाइस ये देखें ये वो स्टेज था जिसपे हमने जाना था दस्तार बंदी के लिए, हमारे स्कूल का पीछे बैनर लगा हुआ था और स्कूल के सर ने कहा था कि ना ये दस्तार बंदी वाले बच्चों की स्पेशल तस्वीरें बनानी है। कैमरा मैन आके तस्वीरें हमारी बना रहा था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और देखे माशाल्लाह कितने ज्यादा बच्चे हैं दस्तार बंदी वाले। तो गाइस हमारा ना फंक्शन शुरू होने लगा था, तो ना ये माइक सेट कर रहा था लड़का, तो ना ये माइक जैसे सेट होगा फंक्शन शुरू हो जाएगा। आप वीडियो देखें और एंजॉय करें। رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सर हामिद सईद साहब का, जिन्होंने प्यारो मोहब्बत और खुलूस व चाह से इस मुबारक तकरीब का अहतमाम किया। अल्लाह ताला अपनी शायान शान इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं सर हामिद साहब और उनके पूरे स्टाफ की तरफ से अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी को खुशामदीद कहता हूँ। अब हम बिला दखील अपनी इस पुरवकार तकरीर का बाकायदा आगाज कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरतारे रसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरतारे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरआन कर दे। तशरीफ लाते हैं कुरान पाक की तिलावत के लिए दी सेंट्रल दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद रयान मजीद के वह स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में कुरान पाक की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। بسم الله الرحمن
के लिए माँ मोहम्मद उबादा मोहम्मद का दादा को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। या मेरे अल्लाह, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام हम जब भी हम कलाम होते हैं
तो राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। तहजीब ईमान ने सिखाया है हमें, तहजीब ईमान ने सिखाया है हमें कि कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मुकर्रम जनाब सरहाम सईद साहब और दी सेंट्रल दार कुरान के तमाम असातिज़ा कराम और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सेंट्रल दार कुरान स्कूल के आठवें सालाना प्रोग्राम में हम इकट्ठे हुए हैं। किसी भी मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अहम दिन हुआ करता है। सेंट्रल दार कुरान ने पिछले 8 साल में अल्हम्दुलिल्लाह शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह तरक्की के राह पर गामजन रहेगा। हम रब्बुल जलाल से पूरी उम्मीद है कि रब तआला असाज़ा कराम की मेहनत, शफ़क़त और मोहब्बत से यह हर आम और ख़ास की तवज्जोहात का मरकज़ व महवर ठहरेगा। फ़र्द है इल्म से वाबस्ता दी सेंटर दारुल कुरान का, हर फर्द है इल्म से वाबस्ता दी सेंटर दारुल कुरान का, गोया है रोशनी का रास्ता दी सेंटर दारुल कुरान का, मिलता है शऊर व आगाही और फिक्र व नज़र का दर्स यहाँ, मिलता है शऊर व आगाही और फिक्र व नज़र का दर्स यहाँ, फिर क्यों ना हो हर सु चर्चा दी सेंटर दारुल कुरान का। अब मैं आप हज़रात के सामने उर्दू में से पीस के लिए दावत दूंगा हमारे स्कूल के तालिब इल्म, लेकिन उससे कबल आप अलैहिस्सलाम की शान में सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है, हुस्न मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया, हुस्न मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तशरीफ लाते हैं सेंटर दार कुरान के तालिब इल्म मोहम्मद हसन, क्या आप अलैहिस्सलाम की जामियत के हवाले से बयान फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حسن يوسف دمع عيسى يدي بيضا داري حسن يوسف دمع عيسى يدي بيضا داري
माशाल्लाह, ये थे हमारे स्कूल के तालिबीन जो आप हजरात के सामने आप अलैहिस्सलाम की सीरत जामियत के बारे में इजहार ख्याल फरमा रहे थे। जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सब, काश मिल जाएं हम सब नामे मोहम्मद के सब। था कहाँ पहले हमें हिफ्ज़े मरातिब का लिहाज, था कहाँ पहले हमें हिफ्ज़े मरातिब का लिहाज, हमने सीखा है अदब नामे मोहम्मद के सबब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه। इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम मेरे बरदर मुकर्रम जनाब मियाँ हामिद सईद साहिब, डायरेक्टर द सेंट्रल दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम, दीगर इदारों के सरबराहान, असातिज़ाए कराम, वालिदैन, प्यारे बच्चे और आज के मेहमानान गिरामी जो इस तकरीब में तशरीफ़ लाए, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और साथ साथ मियाँ हामिद सईद साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज की ये पुरवकार तकरीब सजाई और ये तकरीब यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों को समेटने की तकरीब है कि जिन बच्चों ने कुरान पाक को मुकम्मल किया है, अभी हम इस तकरीब को आगे भी बढ़ाएंगे, इन बच्चों को आखिरी सबक के तौर पे चंद आयात की तरतील भी करवाएंगे और उसके बाद इनके सरों पर दस्तार भी सजाई जाएगी, इनको हार भी पहनाए जाएंगे। यकीनन ये वो मंज़र है कि जब वालिदैन ने ख्वाब देखा कि हम अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएं, इस लम्हे वो उसकी ताबीर को पा रहे हैं। और इस तकरीब में आज के मेहमान खसूसी जो यहाँ तशरीफ़ लाए मुल्तान से, मोहतरम जनाब उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना नईम अहमद साहेब दामत बरकातहुम अलआलिया, उस्ताज़ुल हदीस जामिया खैरुल मदारिस, हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ जनाब मुफ्ती मोहम्मद काशिफ सईदी साहेब उस्ताज़ुल उलमा, आप नाज़िम आला हैं तंजीमुल मदारिस सूबा जनूबी पंजाब के, यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्हें भी हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दीगर उलमाए कराम जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाए जिनके मैं नाम नहीं ले सका ना जानने की वजह से, तो उन सब को हम खुश आमदीद कहते हैं। अब हम अपने आखिरी सबक की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, إياك نعبد وإياك نستعين,
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا इंशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो तमाम वालिदैन को, असातिज़ा को, तमाम बच्चों को। आज इन्होंने अपना, वैसे तो अपना आखिरी सबक स्कूल में क्लास में सुना दिया था, लेकिन आपके सामने तब्दील कराई गई, आखिरी सबक भी पढ़ लिया इन्होंने। इस पर मैं इनके असातिज़ा को एक मरतबा फिर मेहनत करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हम अपनी तकरीब को आगे बढ़ाते हैं, दस्तार बंदी का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तालिब इल्म हैं जिन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है, मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल वहीद। वो तशरीफ़ लाएँ, और इससे पहले कि हमारे तालिब इल्म स्टेज पर पहुँचें, मैं गुजारिश करूँगा अपने बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब मियां हामिद सईद साहब से, डायरेक्टर दी सेंट्रल दारुल कुरान एजुकेशन सिस्टम, के वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई भी फरमाएं। और इनके साथ साथ मैं मुल्तमिस हूँ उस्तादुल उलमा उस्तादुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम साहब के, वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे तलबा की दस्तारबंदी फरमाएँ। मोहम्मद अहमद, और इनके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अब्दुल वहाब साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएं और दस्तारबंदी में मामलत फरमाएं। मौलाना अब्दुल वहाब साहब, हमारे अगले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अफनान साजिद बिन साजिद अली। अब्दुल वहीद साहब तशरीफ़ लाए हैं तो वो भी स्टेज पर आ जाए। अफनान, अफनान के वाले साहब भी तशरीफ लें स्टेज पर। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों खुदा का जिक्र करता हूँ सकूने वाले।
लंबी उम्र अता फरमाए, उम्र खिजरी अता फरमाए। ये हमारे या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे हमारा ना दस्तार बंदी का फंक्शन हो गया था, तो ना अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो ये देखे मुझे एक शील्ड मिली है और साथ ना सर्टिफिकेट मिला है जिसके ऊपर मेरा नाम और सारा लिखा हुआ है। तो आज की ये दस्तार बंदी की वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल फनान एंड फिजान को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।